अरीना ग्राउंड पर आपको ये अभिलाष सक्सेना है जो हमारे यहाँ के अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है, ये शॉटपुट लगा रहे हैं और ये इन्होंने रेड कोन तक फेंका। लगभग कितना अभिलाष हो गया? 52-50 फीट, मतलब कितना हो गया? 54.5 फीट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और हमारे यहाँ की है थ्रोअर तुकफी खान, ये 4.5 किलो का गोला फेंक रही है क्योंकि थोड़ा हेवी वेट से फेंक रही है। वेरी गुड, टारगेट पे कितना हो गया? 33 फीट के आसपास, बहुत अच्छे है। और एक और हमारे यही के नेशनल प्लेयर फेंकने के लिए आ रहे हैं, आदर्श खन्ना, 7.26 kg वाले ये। चलिए देखिए एक और हम देखते हैं थ्रोवर हमारे यहाँ का आदर्श खन्ना, ये सब शॉटपुट के नेशनल प्लेयर है, बहुत अच्छे। डिस्को पथ टेक्निक से टर्निंग लेकर फेंका, बहुत अच्छे। ये कितना फीट होगा? लगभग 47 फीट के आसपास, बहुत अच्छे। और एमपी पुलिस के अंदर मांगा जाता है 19 फीट, तो बहुत अच्छा फेंक रहा है। चलो सुख भी आओ, एक और ये खुशी राय, हेमर थ्रो की हमारे यहाँ की प्लेयर, नेशनल लेवल पर ये भी पार्टिसिपेट करती है, स्टेट में मेडलिस्ट है। और ये हेमर थ्रो 4 किलो के गोले को तार से बंधा रहता है, ये हेमर थ्रो इसको कहते हैं। देखिए आप, बहुत तेजी से टर्न रहती हुई। वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हो गया 35-36 मीटर, बहुत अच्छा है। खुशी, तेरा स्टेट मेरे ख्याल में आप फेंकने जाएगी तो स्टेट में तेरा रिकॉर्ड रहेगा। ओके देखिए तुकफी खान का एक और थ्रो, बहुत अच्छे। चलिए मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में। वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग शॉटपुट की बेसिक्स सिट टॉर्क एंड रिलीज एक्सरसाइज कर रहे हैं। पूरा पूरा पंजे बॉडी चढ़ाना है, फुल फुल बॉडी चढ़ाना है पंजे को। भैया बॉडी आगे नहीं झुकाना, सिटिंग पोजीशन में बॉडी आगे झुकना नहीं चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले ये स्टूडेंट, जिनको गोला फेंकना है, इनको बेसिक एक्सरसाइज बिना गोले से, बिना गोला हाथ में दिए इनको सिट, फिर टॉर्क, फिर रिलीज का तरीका सिखाया जा रहा है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसके लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और टेक्निकल रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज के साथ में। देखिए आप, ये कंधों के लिए और गोला फेंक इसके अंदर है, इसमें आपके कंधों की एक्सरसाइज होती है। इसमें देखिए पोजीशन ये रहेगी आपकी, हाथों की पोजीशन देखिए, ऐसे हाथ पीछे इस तरह से रखे रहेंगे सीढ़ी पे। उसमें ख़ास तौर पर जब आप नीचे जाते हैं, जब आपको सांस लेना है, गहरी सांस खींचना नाक से। देखिए हमारे ये बच्चे जो है गहरी सांस खींचते हुए और अप एंड डाउन मैक्सिमम कितना आपसे होता है, 20-30-25 बार लगाते रहना है। और 3 टाइम 3 बार इसका भी सेट करना है पर डे, ताकि आपके कंधे मजबूत हो जाए, गोला आसानी से चले जाए। देखो साथियों, ये जो गोला है इसकी ग्रिप ऐसी रखनी है जैसे अपन जब थ्रो करते हैं वैसी ग्रिप इसको पकड़ के रखनी है। और जो है जो ये हिस्सा है, चांद जैसा हिस्सा है, ये हमारे यहाँ गर्दन पे यहाँ रखना है अपने को, जैसे हम थ्रो करते हैं सेक्टर पे वैसे ही ये हाइट के ऊपर ये रस्सी बंधी है, ये रस्सी के ऊपर से आपका थ्रो जाना चाहिए। देखिए इस तरह से ये थ्रो ऊपर गया रस्सी के ऊपर से, ऐसे फेंकने से हमारी जो हाइट है गोले की निकलने लगेगी, हमारा हाथ सीधा होने लगेगा। क्यों? तो हम थ्रो करते हैं, हमारा हाथ पूरा नहीं खोलते और थ्रो कर देते, इसलिए रस्सी को बांधा गया है, ये रस्सी के ऊपर से आपको थ्रो करना है। ये रस्सी है लगभग 8 से 10 फीट ऊंची है,
8 फीट 9 फीट का हाइट पर हम रस्सी बांधिए। अब एक एक करके आएंगे और इसके साथ थ्रो करेंगे। जैसे नीलेश थ्रो कर, नीलेश थ्रो करो, नीलेश ने थ्रो किया, ये बहुत अच्छे रस्सी की हाइट पे, रस्सी को देखें और उसके ऊपर ही फेंकें। यस, अब आपकी बारी है, बहुत अच्छे। अभी हम थ्रो करना सिखा रहे हैं आपको, सिर्फ कि आपकी हाइट पे से आप थ्रो करेंगे, 45 डिग्री पे थ्रो करना रहता है। ये इस रस्सी के ऊपर जाना चाहिए। यस, खड़े हो जाएंगे, पूरा हाथ खुलेगा इसमें। अभी थ्रो, यस वेरी गुड, इस पे से हाथ करके फेंकेंगे ऊपर। यदि हमारी हाइट पे शॉट जाने लग गया, पूरा हाथ खुलने लग गया, तो बहुत आसानी हो जाएगी। आप बस सीधे खड़े हो जाओ और रस्सी के ऊपर से सीधा फेंकने की कोशिश करो। रस्सी के ऊपर से गोला जाएगा तो हमारा हाथ जो पूरा खुलने लग जाएगा, पूरा प्रेशर लगने लग जाएगा। जब हम सेक्टर पर थ्रो करने के लिए जाएंगे, आसानी से थ्रो हो जाएगा। यस गो, ये बहुत अच्छे। अब रस्सी के ऊपर से थ्रो करें, पूरा हाथ स्ट्रेट होना चाहिए। अभी हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारा जो शॉट है, गोला जो है, हमारे हाथ से सीधा, पूरा हाथ सीधा होकर निकले, थ्रो सीधे हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूरा हाथ स्ट्रेट रखें और जब सेक्टर में फेंकेंगे तो हमारा आसानी से गोला जाने लगेगा। बहुत अच्छे, ये देखिए बहुत अच्छा थ्रो कर रहे हैं। गर्दन भी रखना है आपको, गर्दन भी रख के फेंकना है। यस, ये बहुत अच्छे, ऊपर से जाना चाहिए, ऊपर से, बहुत अच्छे। इस हाइट पर से थ्रो करना है अभी। चलिए देखते हैं, इधर गर्ल्स जो है, गर्ल्स को हमने थोड़ा सा जो लॉन्ग जंप का एडवांस हम करा रहे हैं, थोड़ा सा हाइट के ऊपर से टेक ऑफ और लैंडिंग। आपको एक पैर से टेक ऑफ करना है और दूसरे पैर से आपको लैंड करना है, दोनों पैरों से लैंड करना है, सॉरी। एक पैर से टेक ऑफ लेंगे और दो पैर से हम लैंड करेंगे। ये गर्ल्स से मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तो तैयारी कर रही है। देखिए बहुत आसानी से, बहुत स्लो ही दौड़ना, तेज नहीं दौड़ना है। अभी हमको एफर्ट नहीं लगाना है, तेज दौड़ेंगे और एफर्ट लगा के जंप करेंगे तो हमें चोट लग सकती है। ये सारी लड़कियां इसमें, दतिया, रीवा, इंदौर, उज्जैन, आसपास के गांवों की सब लड़कियां आ गई है। बहुत अच्छे, टेक ऑफ एक लेग से और लैंडिंग दो पैर से लेना हमारा मूल उद्देश्य। अभी बहुत तेज दौड़ के आना और पूरे एफर्ट से जंप करना हमारा, अभी हमने इनको मना किया है क्योंकि इनके मांसपेशियों में ताकत की कमी है। जैसी मांसपेशियां स्ट्रांग होगी और जंप खुलने लगेगा, और देखो जंप करने के बाद जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भरना चाहिए ताकि आने वाले स्टूडेंट को चोट ना लगे। टेक ऑफ लैंडिंग, दोनों पैरों से टेक ऑफ और लैंडिंग, एक पैर से टेक ऑफ और दोनों पैर से लैंड करना इसका मूल उद्देश्य। यदि लैंडिंग एक पैर पे होती चोट लगती है। यस वेरी गुड, दोनों पैर पे लैंड करना है, यही इनको सिखाया जा रहा है अभी। बस बेसिक से 30% 25% से बस दौड़ना है और टेक ऑफ और लैंड लेना है। धीरे धीरे इनके एफर्ट बढ़ाते जाएंगे हम, एकदम एफर्ट बढ़ाने से इनको चोट लग सकती है। धीरे धीरे करके टेक ऑफ बढ़ेंगे। आप भी यदि अपने जहाँ पर भी तैयारी करते हैं, फुल एफर्ट से 100% एफर्ट से जंप नहीं करना है, धीरे धीरे ही आपको जंप करना है। यदि एकदम आपने फुल एफर्ट से जंप किया तो आपको चोट लग सकती है। इसलिए ये लॉन्ग जंप बहुत कठिन और बहुत खतरनाक इवेंट होती है। कमर और घुटना, इसमें जाने का डर होता है, कमर और घुटने को बचाना है। यस, अब आप जो है ध्यान से आएंगे, एक पैर से टेक ऑफ लिया, ये दोनों पैर से लैंड किया, दोनों पैर साथ में मिलाकर आपको लैंड करना है बालू रेत में। और ध्यान रहे, बॉडी वेट में हील का एरिया पहले गिरना चाहिए ताकि आपका बॉडी घुटने और पंजों में, एंकल में चोट ना लगे। ये देखो टेक ऑफ ले गया और दोनों पैर से लैंड किया।